अब जो दूसरा उन्होंने रतन बताया है वो है सतगुरु शरण। बनमारस के दो रास्ते हैं, एक है करनी का और एक है शरण का। जो करनी का रास्ता है वो हम आम तौर पर अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें हम अपना सहारा लेते हैं और प्रभु के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, मगर हम मन और माया के कीचड़ में फंसे हुए हैं, हम वहाँ से निकल नहीं सकते। तो जो करने का रास्ता है ये भी प्रभु की नज़र करम की देन है, और जैसा कि अक्सर कहा गया है कि इश्क कबर दर्दे माशूक पैदा मिश्र, लव एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बिलव्ड, वो हमें अपनी नजर से कर्म भेजता है, अपने प्यार के रेशमे धागे में बांधकर हमें अपने चरणों में ले आता है, और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं डालता, उन नज़रअंदाज करता है, वो जब प्रभु के खजाने अखूट खजाने लाता है और दोनों हाथों में लुटाता है। तो ये जो नहा रास्ता है करने का, ये एक बड़े हुजूर कहा करते थे कि मकड़ी का रास्ता। आपने अक्सर देखा होगा कि मकड़ी एक बड़ी पतली थी तार होती है, रेशमी तार उसे टटती है, फिर नीचे फिसलती है, फिर चटती है, फिर नीचे फिसलती है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था तो किंग रॉबर्ट ब्रूस की कहानी थी हमारी इंग्लिश में। वो अपनी सल्तनत को खो चुका था और वो बिल्कुल मायूस हो गए, इन अ स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी एक जंगल में बैठा था, और उसका दिल टूट चुका था, उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, वो नहीं जानता था कि वो क्या था। तो उसने ये देखा कि एक मकड़ी है, वो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सुंदर रेशमी तार होती है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो पहली दफ़ा चढ़ी, फिर नीचे फिसल गई, दूसरी दफ़ा चढ़ी, फिर नीचे फिसल गई, इसी दफ़ा छः बार उसने उसकी जो सबसे ऊंची जगह थी वहाँ पहुँचने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुई, और आखिर में वो चिल्लाई, उसकी आवाज़ में एक नगमा था, एक तड़प थी। और जब उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु का नाम लेकर सातवीं दफ़ा उसने कोशिश की तो वो अपने मंदिर पर पहुंची। यही हाल करने का भी है, हम कोशिश करते हैं, हम जितने भी हमारे रोज़मर्रा के प्रभु को पाने के तरीके हैं सब पे चलते हैं, हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जितने भी हमारे लिए रस्म और रिवाज बनाए गए हैं उन सब पे अमल करते हैं, मगर हम जो हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है उसे नहीं पा सकते।
मगर जब हमें ऐसी हालत में, बेबसी की हालत में, लाचारगी के हालत में, प्रभु देखता है, परमात्मा देखता है, तो वो इंसान का चोला पहन के आ जाता है और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता। हमें वो नाम दान बख्श देता है, जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है, जो असली मानों में अमर होने की विद्या है। और वो हम हमें अपने प्यार से बड़ी एक नज़र से नवाजता है, एक नज़र करम से नवाजता है। और उस नज़र करम का नतीजा ये होता है कि हम थोड़ा सा अमल करते हैं और एक छोटी सी आग बन जाती है। और जब हम जब वो देखता है कि हमने थोड़ी सी मेहनत किया है, तो फिर वो एक और प्यार बड़ी नज़र डालता और उसका नतीजा ये होता है कि हम पहले से ज़्यादा हम उसके हुक्म के अनुसार अपना जीवन बताना शुरू करते हैं। और इसी तरह से उसके नगाए कर्म की और उसकी कृपा की जो हमारे मामले में एक एक्शन, एक अमल की बख्शिश होती है, उनकी छोटी छोटी आस बनती चली जाती हैं। और ये जो एलिमेंट्री स्टेजेस हैं, इसमें कभी हम फिसल जाते हैं, मगर फिर वो हमें उबार देता है। और आखिर में ये जो हमारा सर्कल है, ये कंप्लीट हो जाता है। और ये है करने का रास्ता। मगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत लंबा रास्ता है और इसके पूरे करने में हो सकता है कि हमें दोबारा जन्म में आना पड़े, हो सकता है कि हम अपने मंजिल मकसूद पे इस ज़िंदगी में नहीं पहुँचे और हमारा सदगुरु, हमारी जान की जान, हमारे प्राणों का प्राण अपनी विजडम में हमें किसी रूहानी अंदरूनी मंडल पे स्थान दे दे और वहाँ जाके हमें फिर भजन करना पड़े और आखिर में हम जाके सचखंड में पहुँचे और अनामी में पहुँचे और प्रभु में लीन। तो ये तो है आम तरीका। और इसका जो दूसरा तरीका है, जिस पर सब महापुरुष जोर देते, हमारे मुर्शिद आज़म रूह बाबा सावन सिंह जी महाराज जोर देते थे, हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज जोर देते थे, वो रास्ता है शर्म का। और हजूर बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि शर्म का रास्ता है अपने आप को गुरु के हवाले करने का। उसमें मैं नहीं होती, तू ही तो हो जाता। उसमें जो करता है वहाँ हम नहीं रहते हैं, वो प्रभु करता हो जाता है। और अगर हम अपने सद्गुरु की अपार दया से इस रास्ते को अपना सकें, तो हम इसी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की जो ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलाप है, उसको पा सकते हैं। तो जितने भी योग बताए जाते हैं, जितने भी तरीके बताए जाते हैं हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलने से, उन सब में से जो छोटा रास्ता है, वो रास्ता है सुरसभ योग का। और सुरसभ योग
मैं जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, जिसे हम सराते मुस्तकीम कहते हैं, वो रास्ता है शर्म, वो रास्ता है राजी व रजा होने का, वो रास्ता है कंप्लीट सेल्फ सरेंडर का, वो रास्ता है स्वीटी दैवी। तो उसी के मुतलिक, जिस दूसरे रत्न के मुतलिक, वो हमें यही बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है सदगुरु शरण का, ये हमारे अपने बुत्ते की बात नहीं है, ये तो सदगुरु की देन है। और ये उसकी अगर अपार कृपा हो तभी हम इस पर चल सकते हैं, क्योंकि जो शरण का रास्ता है वो अपने आप को गुरु के हवाले करने का रास्ता है। जो सेवा है ये चार प्रकार की बताई गई। पहली किस्म की सेवा है जिस्मानी सेवा, हम सब कर। दूसरी किस्म की सेवा है धन की सेवा। तीसरी किस्म की जो सेवा है वो है मन की सेवा। हम सब अपने आप को सेवादार कहलाते हैं, मगर कहते हैं कि हमने अपना तन मन धन सदगुरु को अर्पण कर दिया है, मगर क्या हमने सोचा है कि हम उसी चीज़ को सदगुरु के अर्पण कर सकते हैं जो हमारी अपनी। अगर मैं आज चाहूं कि लाल किले को किसी के नाम में लिख दूं तो क्या मैं लिख सकता? तो इसीलिए महापुरुष हमेशा यही बताते हैं कि पहले अपने मन को काबू में ला, और मन कोई छोटी चीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ टर्मिनोलॉजी बदलती चली जाती है। पहले ज़माने में हमारे महापुरुष कहते थे कि मन से झगड़ा करो, मन से लड़ाई करो, मगर आजकल साइंटिफिक युग है, टर्मिनोलॉजी बदल चुकी है। हमारे मुर्शिद आज़म और हुज़ूर पुनूर, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा था, वो हमें यह बताते थे कि बिफ्रेंड द माइंड, कि जो मन है उससे दोस्ती करो, क्योंकि जैसे इस वक्त हमारी आत्मा को ये मालूम नहीं है कि वो परमात्मा की अंश है, इसी तरह से हमारे मन को भी ये मालूम नहीं है कि वो ब्रह्म की अंश है। हम दोनों ही माया में हैं, भूल में। अगर हम किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर इस बात का एहसास कर लें कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है और हमारा मन जो है वो ब्रह्म की अंश है, क्योंकि पहले तो एहसास भी होता है और उसके बाद उसका तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, तो हम मन को भी समझा सकते हैं क्या दोस्त, हम तो हम सफ़र हैं, हमने तो एक ही सफ़र पे चलना है। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक बड़े प्रकांड पंडित हमारे मुर्शिद आज़म के चरणों में आए और बहुत उनसे बहस मुबासा करते चले गए, और वो इसी बात पे जोर देते गए कि जो ब्रह्म है वही सबसे ऊंची स्टेज है। हुज़ूर उन्हें समझाते रहे कि भाई ब्रह्म से ऊपर की भी स्टेजेस हैं और जो अनामी की स्टेज है वो आखिरी स्टेज है, मगर वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। तो हुज़ूर ने एक बड़ी मुस्कान से ये फरमाया कि भाई चलो, हम सफ़र हैं, हमने एक ही रास्ते पे चलना है, हम ब्रह्म तक तो चलें, उससे आगे अगर कुछ होगा तो
हम चल देंगे आगे, नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे मैंने यहाँ से न्यूयॉर्क जाना, अब कोई मेरा और हम सफ़र मुझे मिलता है, वो कहता है कि उसे लंदन में जाना, और वो कहता है भाई लंदन जहाँ से सबसे दूर है, वो तो अज्ञानता में है, उसे लंदन तक की खबर है, और मुझे पता है कि उससे आगे भी कुछ है। तो बजाय इसके कि हम ये जगड़ते रहें कि लंदन हिंदुस्तान से ज़्यादा दूर है या न्यूयॉर्क ज़्यादा दूर है, हमें दोनों को गले मिल जाना चाहिए कि चलो हम ये सफ़र तो शुरू करें। हमारा जो मन है, ये महाराज जी फरमाया करते थे कि हजार मुंह वाला सांप है, तो अगर हम अपने सफर पे चल दें प्रभु का गुणगान करते हुए, तो जब हम ब्रह्म में पहुंचेंगे तो जो हमारा मन है वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा जाएगा, और हम उसे टाटा करते हुए, बाय बाय करते हुए अपने रास्ते पे चल जाएंगे और जाके अनामी में पहुँचेंगे। तो यही हमारे महापुरुष बताते आजकल की साइंटिफिक युग में कि वी हैव टू बिफ्रेंड द माइंड, वी हैव नॉट टू फाइट विद द माइंड। तो यही जो तीसरी प्रकार की सेवा है वो है मन की सेवा। गुरुवाणी में आया है कि मन बेचे सदगुरु के पास, जिस सेवक की कारदास। तो हमें अपने आप को, अपने मन को गुरु के हवाले करना। और जो चौथी प्रकार की सेवा है वो सुर की सेवा है। वो तो सिर्फ कोई महापुरुष कर सकता है, कोई खुदा रसीदा हस्ती कर सकती है, कोई गॉडमैन कर सकता है जिसे के डायरेक्ट कमीशन मिली हो प्रभु से। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने मन को अर्पण कर दें गुरु, और मन को गुरु के अर्पण करने का नाम ही शरण का रास्ता है। तो इसी पर हमारे महापुरुष जोर देते चले आए हैं, और ये जो रास्ता है अगर हम अपने बल पे इसे तय करना चाहें तो हम तय नहीं कर सकते, मगर जब हम अपने आप को गुरु के हवाले कर देते हैं वो कर्ता हो जाता है, हम कर्ता नहीं रहते। हमारे हुजूर एक मिसाल दिया करते थे कि जब हम बीमार होते हैं, हमें जिस्म में कोई फोड़ा हो जाता है, कोई और बीमारी हमें लग जाती है, जिसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन होता है, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हम एक या दो जो सर्जन होते हैं, मशहूर सर्जन, उन्हें कंसल्ट करते हैं, और उसके बाद हम अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। और हमें ये भी देख के देना पड़ता है, हमें जहाँ जो हम हमारे कोई हमारे साथ रिश्तेदार हों कि आप ऑपरेशन कीजिए, हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। तो हुज़ूर फरमाया करते थे कि ये जो एक आम सर्जन होता है, जो मरीज होता है, वो उसको अपने उसके हवाले कर देता है, और अगर एक आम मरीज एक आम डॉक्टर के हवाले अपने आप को कर देता है, तो हम तो आत्मा जो है परमात्मा की अंश है, हम अपने आप को गुरु के हवाले क्यों नहीं कर सकते। हमें आपको गुरु के हवाले करना चाहिए, और यही तरीका है जिससे हम इस ज़िंदगी का जो देह है उसे पा सकते हैं।
और इकबाल का वो मिश्रा, पहला मिश्रा सिर्फ मैं कोट करूँगा कि माना कि तेजी धीर के काबुल नहीं, और उसका जो दूसरा मिश्रा है तो मेरा शौक देख मुझे इंतज़ार दे, तो वो अब हम में ना वो इंतज़ार है ना शौक है, हमें वो इंतज़ार की बख्शिश दें, मुझे वो शौक बख्श और हमें ये ताकत दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, और इस ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आप को पाने का, आत्मा और परमात्मा के मिलाप का, फुर्शनासी और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉडियन रिलेशन का, उसको हम इसी ज़िंदगी में पाएंगे, यही मेरी प्रार्थना।